हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में एलएनटी मेट डे ऑल स्टार्टर में पावर वायरिंग एंड कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है आज के स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। ये हमारे पास एक डी ऑल स्टार्टर है जो कि बेसिकली हमारे खेत में जो वाटर पंप मोटर होता है उसे चलाने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो इसका पावर वायरिंग एंड कंट्रोल वायरिंग किस तरह किया जाएगा, इस स्टार्टर को किस तरह बनाया जाएगा, सब कुछ हम एकदम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए हम सीख लेते हैं किस तरह हमने कनेक्शन किया है। चलिए ये हमारे पास एक एलएनटी मेट डी ऑल स्टार्टर है, इसमें पावर वायरिंग एंड कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। पहले हम स्टार्टर को ओपन कर लेते हैं। देखिए हमने स्टार्टर को अभी ओपन किया है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स दिए गए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक एनवीसी कोयल दी गई है जो कि 440 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। ये 220 वोल्ट में भी आती है, तो आप पहले इस पर वोल्टेज चेक कर ले कितने वोल्ट का है। ये 440 वोल्ट का है। यहाँ पे ये ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले में इसकी सेटिंग दी गई है जहाँ से आप मैनुअली सेट कर सकते हैं आपकी मोटर ने कितने एम्पेयर पर ट्रिप होना है। ये एनो कॉन्टैक्ट से है ओवरलोड रिले में, और ये एनसी कॉन्टैक्ट से है। इसके अलावा देखा जाए तो ये हमारा कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर में ये पावर टर्मिनल है जहाँ से हमारे मोटर में फेज जाता है, और ये कंट्रोल टर्मिनल है एनो है जो कि हमारे कॉन्टैक्टर में दिया गया है। ये एनवीसी कॉइल जैसे ही ऑपरेट होती है तो वहाँ से कॉन्टैक्टर से सप्लाई निकल के हमारी मोटर में जाती है। चलिए अब हम इसमें समझ लेते हैं। ये इसके देखा जाए तो कॉन्टैक्ट जो ओवरलोड रिले में पावर टर्मिनल है जहाँ पे हमारा L1, L2, L3 आता है और यहाँ से हमारे मोटर में जाता है। पावर वायरिंग काफ़ी सिंपल होती है, तो हम पहले इसकी पावर वायरिंग समझ लेते हैं। आप ड्राइंग में यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ड्राइंग में इस तरह से बनाया है। ये एनो कॉन्टैक्ट है, ये एनसी कॉन्टैक्ट है, ये ओवरलोड रिले की सेटिंग है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं तीन पावर टर्मिनल हमने यहाँ पर बनाए हैं। चलिए इसकी पहले हम पावर वायरिंग समझ लेते हैं जो कि काफ़ी सिंपल होने वाले हैं, इसके बाद हम कंट्रोल वायरिंग सीखने वाले हैं। ये एनवीसी कॉइल की 440 वोल्ट है, ये हमारी मोटर है। चलिए यहाँ पे हम समझे तो सबसे पहले हम इसकी पावर वायरिंग हम काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। ये हमारी एमसीबी है, एमसीबी से आप देख सकते हैं RYB 3 फेज़ हमारे आए हैं जो कि जाएंगे, और हमारे बेसिकली देखा जाए तो इस कॉन्टैक्टर में देखा जाए तो कॉन्टैक्टर जो ओवरलोड रिले के ऊपर जो तीन टर्मिनल दिए गए हैं यहाँ पर हमारे RYB 3 फेज़ आ जाएंगे, और जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा एनवीसी कॉइल और इनरसाइज होगी तो यहाँ से तीनों फेज हमारी मोटर में जाने वाले हैं। तो ये पावर वायरिंग काफ़ी सिंपल थी, अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। पावर वायरिंग काफ़ी सिंपल होने वाली है। यदि हम इसकी कंट्रोल वायरिंग की बात करें तो कंट्रोल वायरिंग के लिए ऑन ऑफ़ करने के लिए हम ये पुश बटन का यूज़ करने वाले हैं जो कि स्टार्टर को ऑन ऑफ़ करने के लिए किया जाता है। चलिए इसकी कंट्रोल वायरिंग हम पहले देख लेते हैं किस तरह की जाएगी। इसमें हमने क्या किया है, दो फेज़ हमारे एनवीसी कॉइल में देना होते हैं, तो हमने क्या किया है, एक फेज़ आप यहाँ पर रेड वाला फेज़ देख सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट एक फेज़ आ रहा है, किसी भी एक फेज़ को आप डायरेक्ट एनवीसी कॉइल में कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए एक फेज़ हमने डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें एक फेज़ की वायरिंग किस तरह होगी, चलिए हम समझ देखिए। दूसरा फेज़ हमने यहाँ से उठाया, चूँकि एनवीसी कॉइल 440 की, इसलिए दूसरा फेज़ हमें देना होगा, तो कंट्रोल करके देना है। यहाँ से हमने दूसरा फेज़ लिया और इसे ले जाके हमने जो हमारा ओवरलोड रिले में एनो पॉइंट है यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ये हमारा देखा जाए तो ये बटन दिया गया है, जैसे ही ये बटन को हम प्रेस करते हैं तो एनो एनसी बनता है और यहाँ से सप्लाई आगे जाती है इस बटन के प्रेस करते ही। देखिए जैसे ही बटन प्रेस होगा तो यहाँ से जो एनो की सप्लाई है वो एनसी बनने से यहाँ से निकलेगी, देख सकते हैं आप। जैसे ही हम यहाँ पे बटन को प्रेस करेंगे तो सप्लाई यहाँ से निकलेगी, और ये जाके हमने यहाँ पे कनेक्टर कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। तो ये कनेक्टर के थ्रू डायरेक्ट सप्लाई हमारी एनसी में जाएगी, और एनसी तो एनसी ही होता है, यहाँ से हमारी बेसिकली देखा जाए तो एनसी से डायरेक्ट सप्लाई हमारी एनवीसी कॉइल में चली जाएगी, आप देख सकते हैं। देखिए जैसे ही एनो को प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्टर यहाँ से ऑपरेट हो जाएगा, हमारे जो स्टार्टर यहाँ से ऑपरेट हो जाएगा। तो ये जस्ट ऑपरेट करने के लिए काफ़ी सिंपल था, जैसे ही हम एनो को प्रेस करेंगे। अभी हमें स्टार्टर को स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने के लिए हमें एनसी को प्रेस करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फेज़ हमने डायरेक्ट दिया, जैसे ही एनो को प्रेस करेगा हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा। देखिए जैसे ही एनो को प्रेस किया तो हमारा स्टार्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही एनसी को प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्टर यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। एनसी को प्रेस करते ही एनसी एनो बन जाएगा, यहाँ से सप्लाई हमारी कट हो जाएगी और हमारा स्टार्टर यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। काफ़ी सिंपल वायरिंग, आप इसे थोड़ा समझ के कीजिए। आपको एक फेज़ डायरेक्ट देना है और एक फेज़ आपको एनो और एनसी से घुमाते हुए देना है। जब हम एनो को प्रेस करें हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा, और जब एनसी को प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्टर स्टॉप होगा। तो ये काफ़ी सिंपल वायरिंग है। चलिए अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरह किया जाएगा। बट इस कंडीशन में हमारा जो स्टार्टर ऑपरेट होगा
वो जस्ट मैनुअली होगा। इसे हमें ऑपरेट करने के लिए इसमें होल्डिंग देना है। तो जिस तरह हम नॉर्मल कॉन्टेक्टर में होल्डिंग देते हैं, उसी तरह यहाँ पे हमें होल्डिंग इस कॉन्टेक्टर के एनो में दे देना है। देखिए, जिस तरह हम कॉन्टेक्टर में होल्डिंग देते हैं, उसी तरह यहाँ पर हमने होल्डिंग कनेक्ट कर दी है। अब हमारा स्टार्टर परमानेंटली ऑपरेट होगा। चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं हमारा स्टार्टर का कनेक्शन किस तरह हमने वहाँ पर किया है। चलिए अब हम समझ लेते हैं प्रैक्टिकली फील्ड पे कनेक्शन किस तरह किया गया है। हमारे इंपोर्ट सप्लाई किटकैट फ्यूज में आई है। यहाँ से आप देख सकते हैं ओवरलोड रिले में हमारे RYB 3 फेज आए हैं और यहाँ से कॉन्टेक्टर के थ्रू हमारी मोटर के टर्मिनल में यहाँ से सप्लाई गई है। पावर वायरिंग जस्ट काफ़ी सिंपल है। अब यदि कंट्रोल वायरिंग हम समझे तो कंट्रोल वायरिंग के लिए हमारे पास ये जो NVC कोयल वो 360 अप्रोक्स यहाँ पे हमें 2 फेज देना होगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आप NVC कोयल को चेक कर ले, उसके बाद आप यहाँ देखें तो जो पहला फेज है यहाँ पे ब्लैक वाला वायर आप देख सकते हैं, एक वायर हमने यहाँ से डायरेक्ट लिया है और उसे इस NVC कोयल में डायरेक्ट कनेक्ट किया है। दैट मीन्स एक फेज यहाँ पे डायरेक्ट मिलने वाला है। दूसरे फेज के लिए हमने क्या किया है 440 के लिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक ब्लू वाला वायर, येलो वायर लिया है, इसे कॉन्टेक्टर के एनो में दिया है। यहाँ से बेसिकली होल्डिंग भी हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, आप देख सकते हैं जो बेसिकली ब्लू वाला वायर है वो होल्डिंग के लिए है, होल्डिंग देने के लिए। यहाँ से एक कनेक्टर लगा हुआ है जो कि NC में गया है और NC के द्वारा यहाँ से हमारा जो कॉइल है कॉइल में चली गई है सप्लाई। जिस तरह हमने प्रैक्टिकल कनेक्शन किया उसी तरह किया। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।